भी वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मॉम चैनल लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, यह है मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह। ये है मेरी दीदी और ये दी का बेटा है, मेरा बेटा है और ये मेरी भतीजी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कहाँ आ गई हूँ, तो हाँ जी, मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। तो यहाँ पर मायके में मेरे इधर थोड़ा सा ग्राउंड है, तो वहीं पे हम लोग थोड़ा सा पिकनिक ले रहे थे। तो यहाँ पर कुछ समय पहले, मतलब यहाँ पे ढेर सारे मतलब प्लांट्स भी थे और ढेर सारे फूल भी थे, जैसे गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, ये सारे फूल भी यहाँ पे लगे हुए थे। लेकिन इस समय जो हैं सारे कट गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब प्लांट्स लगे हुए थे, और इससे पहले जो है मतलब बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स लगे थे, फूल लगे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तब भी। लेकिन इस समय जो है मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगे हुए थे, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा था इधर का व्यू। और मैं अपने मतलब मायके यहाँ पे लगभग 1.5 साल के बाद आई हुई हूँ, तो मुझे बहुत सा मतलब अलग सा लग रहा था, थोड़ा चेंज सा लग रहा था इधर, मतलब अच्छा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और इतने दिनों के बाद जाओ तो मतलब अलग ही लगता है। और वो भी मैं गई थी तो मतलब बहुत मुश्किल से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ही मायके गई हुई थी, फिर उसके बाद वापस आ गए। और एकाएक मतलब प्लान बना हम लोग का, तो हम सिस्टर्स लोग सब साथ में गए हुए थे। तो यहाँ पर ये देखिए भिंडी लगा हुआ था, तो वही मैं यहाँ पे बेटू को दिखा रही थी। क्या वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था यहाँ से मतलब हटने के लिए, मिट्टी में पाया हुआ था इतने दिनों के बाद खेलने के लिए। जल्दी ये मिट्टी में खेलता उलता तो है नहीं, तो इसकी आदत नहीं है, लेकिन जब कहीं मिट्टी देख लेता है तो बिल्कुल वहाँ से हटता ही नहीं है। तो ये सब इसको मतलब नल वल सब देख के ऐसा लग रहा था इसको यहाँ पे। ये देखिए हैंडपम्प जो है चला रहा था, इसको सब अलग अलग सा लग रहा है, थोड़ा नया नया सा लग रहा है। तो ये काफ़ी इंजॉय कर रहा था यहाँ पे, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी मेरी भतीजी, तो इसके साथ खेल रही थी। तो मेरी भतीजी का नाम है श्रेष्ठी। तो ये श्रेष्ठी जो है मुझे बहुत दिनों से बुला रही थी, कह रही थी बुआ प्लीज़ चली आओ, मुझे बेटू के साथ खेलना है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो जब भी वीडियो कॉलिंग वगैरह करती थी तो बहुत रोती थी, तो इसी के लिए मुझे मतलब ज़्यादा आने का मन कर रहा था कि इतने दिन से रो रही है, बुला रही है तो चले जाएँ। और गए भी थे, तो मुश्किल से 2-3 दिन ही थे। तो ये बिल्कुल ही मतलब मुझे आने नहीं दे रही थी, कहती बुआ प्लीज़ रुक जाओ मत जाओ। तो ये देखिए, ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो हम लोग निकल लिए अपने गांव, मतलब मायके वाले गांव में, तो वहाँ पे हम लोग जाने के लिए, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और मेरे भैया जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, और साथ में मतलब दी हैं, और दी के दोनों बच्चे हैं, भतीजी है, हम हैं, मेरा बेटा है, हम सब लोग जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा मतलब आप लोगों को व्यू दिखाया है। और क्या हुआ, काफ़ी अच्छा लगता है आप जब कहीं इतने दिनों के बाद जाओ, ख़ास तौर से अपने मायके वायके जाओ, तो बात ही अलग होता है वहाँ का। और रुक भी नहीं पाई ज़्यादा दिन तक, तो चलिए गाइज आप लोग इन्जॉय करिए। मैंने यहाँ पर म्यूजिक लगा दिया है, आप लोग रास्ते को इन्जॉय करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, फिर वीडियो लंबी हो गई है क्या, वो मैंने सोचा था इसको 2 पार्ट में कर देंगे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक ही में कर देते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइज आप लोग रास्ते को इन्जॉय करिए।
और यहाँ पर ट्रेन आ रही थी तो वहीं हम लोग रुके हुए थे, गाड़ी रुकी हुई थी। और अगल बगल का जो मतलब व्यू था काफ़ी सुंदर लग रहा था, ग्रीनरी ग्रीनरी सा बहुत सुंदर लगता है अगल बगल, मतलब इधर खेत उत रहते हैं, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे व्यू। तो मैं ज़्यादातर मतलब ऐसे व्यू जो होते हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रोज़ रोज़ वही ब्लॉग में दिखाओ, मतलब घर का रूटीन डेली ब्लॉग में। तो कभी कभी होता है मतलब बाहर का आना जाना, तो ऐसे समय में मैं सोचती हूँ कि मतलब बाहर का अगर जो व्यू होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर लूँ, जिससे क्या हो कि मतलब ब्लॉग में थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाए, थोड़ा अलग कंटेंट हो जाए, अच्छा लगता है। तो मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं मतलब गई हुई थी तो मैं चार्जर नहीं लेके गई थी। मैं तो यहाँ से गई हुई थी मतलब एक दिन के मतलब प्लान से कि मतलब दूसरे दिन रिटर्न होना है, तो इसलिए मैं चार्जर नहीं लेके गई थी। मेरी मोबाइल जो है मतलब फुल चार्ज था, तो मैंने कहा कल आ ही जाना है, ऐसा सोच के गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से मतलब एक दिन के बजाय दो दिन और रुकना पड़ा, तो तीसरे दिन आना हुआ। तो मतलब मैं ले भी नहीं गई थी चार्जर, और दूसरे का चार्जर जो था वो मेरे मोबाइल में नहीं लग रहा था, तो मेरी मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पाई, तो मतलब मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ हो गया। तो आते समय तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कैप्चर कर पाई, और जाते समय भी मैं नहीं कैप्चर कर पाई थी कुछ भी, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं हुआ कि मतलब मैं मोबाइल जो है ऑन करूँ और कुछ वीडियो वगैरह कैप्चर करूँ, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ मेरा। तो जाते समय भी मैं नहीं कैप्चर कर पाई थी। लेकिन फिर मैं जब गांव जाने लगी तो थोड़ा सा मन हुआ कि मतलब लाओ थोड़ा सा कुछ कैप्चर करें, तब मेरा मन हुआ था, क्योंकि बहुत सुंदर सा व्यू लग रहा था। एक तो मॉर्निंग का टाइम था तो काफ़ी सुंदर लग रहा था अगल बगल का व्यू, तो फिर मैंने वही कैमरा ऑन किया था। उसके बाद फिर मैंने जब कैमरा ऑन कर लिया तो फिर मेरा मन होने लगा कि थोड़ा बहुत कैप्चर करूँ जब तक मैं गाँव में रहूँ, तो फिर मैंने गाँव में थोड़ा बहुत व्यू जो है कैप्चर किया। अभी आप लोग आगे देखिएगा, एंजॉय करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जब मैं रिटर्न होने लगी तो मोबाइल तो था वो स्विच ही ऑफ था, तो मैं कुछ भी नहीं कैप्चर कर पाई। क्या हुआ कि मतलब जिस दिन मैं आई हूँ उसके एक दो दिन पहले से ही मतलब मेरी वॉइस स्विच ऑफ हो गई थी, तो मैं बिल्कुल मोबाइल ही नहीं ऑन कर पा रही थी। यहाँ तक कि मुझे अगर फ़ोन भी करना होता था तो मैं पापा की मोबाइल या किसी और की मोबाइल लेके मैं बात करती थी, हस्बैंड से जब बात करना होता था। तो ये देखिए ये गांव का मतलब है व्यू, कितना अच्छा लग रहा है, अगल बगल कितना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग भी एंजॉय करिए। और मेरे बेटू को तो बहुत मज़े आ रहे थे गांव में। क्या हुआ कि मतलब वो कभी गांव तो गया ही नहीं है, तो उसको मतलब ऐसे जगह बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या हुआ था उसको मतलब ख़ास तौर से मिट्टी, जो मिट्टी होते थे उसमें उसको खेलने में बहुत मज़े आ रहे थे, वो तो खूब इंजॉय कर रहा था। और ट्रैक्टर वगैरह ये देखिए, ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था। मतलब ये जो ट्रैक्टर है मतलब अभी आप खुद देखिएगा आगे, तो वो ट्रैक्टर पर बैठ बैठ के कितना इंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश था। तो जहाँ जहाँ इसको मतलब घर के आस पास कहीं भी ट्रैक्टर दिख रहे थे तो नानू मुझे ले चलो ट्रैक्टर पर बिठाओ, मम्मा ले चलो मुझे ट्रैक्टर पर बिठाओ, ऐसे कह कह के मतलब सारे ट्रैक्टर पर बैठ रहा था। और ये अभी जो आपको मशीन दिखी है ऑरेंज कलर का, तो इसको देख के कह रहा था मम्मा ये खुदाई वाली मशीन है, पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती के साथ इंजॉय करके खेल रहा था। तो मैंने अगल बगल मतलब गाँव का जितना हो सका उतना कैप्चर करने की कोशिश की है, ये सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे व्यू। और ये जो दिख रहा है ये पत्ते, ये कद्दू के मतलब प्लांट्स हैं, तो इसके जो फूल निकलते हैं ये कद्दू के मतलब प्लांट्स हैं, तो इसके जो फूल निकलते हैं उसकी मतलब पकौड़ी भी बनती है, उसकी सब्जी भी बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं। और जब मैं गई हुई थी यहाँ पे गांव, तो मम्मी भी यहाँ पे थी गांव पे, तो मम्मी ने कद्दू के फूल के मतलब पकौड़े जो है बनाए हुए थे, हम लोगों ने खाए थे, लेकिन मैं वीडियो जो है नहीं बना पाई थी। क्या होता कहीं जाओ इतने दिनों के बाद तो फिर मतलब सबके साथ बातचीत करना, बस वही सब में मतलब टाइम कम निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, तो वीडियो वगैरह बिल्कुल भी कैप्चर करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ये हाँ
ये होता है कि मतलब थोड़ा बहुत कैप्चर कर लो थोड़ा, जैसे क्या होता है कि ऐसे व्यू जो दिखते हैं गाँव के तो बहुत सुंदर लगते हैं, तो ये मन करता है कि फिर चले जाएँगे वहाँ पर, तो फिर अगल बगल मतलब ऐसे ही व्यू रहेंगे, गाँव का व्यू नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए मन करता था कि थोड़ा बहुत कैप्चर कर लें। तो जितना हो सका मैंने बस खाली बाहर का व्यू थोड़ा बहुत कैप्चर किया था, और फिर मैंने कोई मतलब वीडियो नहीं कैप्चर किए। तो मम्मी कद्दू के फूल की सब्ज़ी भी बनाई थी, पकौड़े भी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, मतलब कि मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने ससुराल में बना रही थी खीर। और ये देखिए यहाँ पर ये हस्बैंड जो है कुछ ग्रोसरी के सामान जो है मतलब नहीं थे तो मुझे मंगाना था, तो वही मैं मंगाई हूँ हस्बैंड से, तो वही लाए हुए थे, तो वही मैं निकाल के मतलब देख रही थी कि क्या क्या लेके आए हुए हैं, मैं रखने जा रही थी। तो इसमें तेल वगैरह मतलब जो थे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, तो मंगाना था। और आटा है, तेल है, और ब्रश है, चीनी, चाय पत्ती, यही सारे सामान थे, तो मैंने भी मंगाया था। और फ्रूट्स मंगाए थे, तो इसमें से कुछ फ्रूट्स जो है हम लोगों ने खा लिए हैं, थोड़े फ्रूट्स थे इधर रखे। और इधर मैंने सब्जियां मंगाया था, तो सब्जियों में आलू है, पत्ता गोभी है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है आलू बीन्स की सब्ज़ी, सूखी सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, तो इसको मैंने दाल के साथ खाने के लिए बनाया था लंच में। तो इधर हमारा जो है दाल बन चुका है, इधर दूध वाले भैया आए थे तो मैंने इधर दूध भी ले लिया है, इधर मतलब मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए, मैंने रोटी बना लिया था। और ये देखिए यहाँ पर मैं आटा जो है निकाल के मतलब रख रही हूँ। तो अभी ये रात का ही टाइम है, तो मैंने कहा लो आटा निकाल के कंटेनर में रख देते हैं। क्या होता है मॉर्निंग के टाइम जो है बहुत मतलब हौच पौच हो जाता है, जल्दी जल्दी सब काम करना रहता है, तो फिर मतलब आटा निकालो फिर उसको रखो, फिर तुरंत आटा गूंथ के रोटी वोटी बनाने में थोड़ा मतलब अलग सा लगता है, थोड़ा दिक्कत सा लगता है। तो मैंने कहा चलो रात में ही आटा भर के मतलब कंटेनर में रख देते हैं, तो सुबह मतलब आटा गूंथने में आसानी रहेगा, तो सही रहेगा, सुबह जल्दी से हो जाएगा। तो मैंने वही फिर रात में डिनर वगैरह हम लोग का हो चुका था, तो मैंने वही आटा यहाँ पर रख दिया है कंटेनर में करके। और ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है आलू बीन्स और शिमला मिर्च सब मिक्स करके मैंने ग्रेवी वाली सब्जी डिनर में बनाया है। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, और ये है मॉर्निंग की क्लिप। हस्बैंड जो है रात में लेके आए हुए थे गुड़, तो इसको मैंने कंटेनर में नहीं रखा, तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में इसको कंटेनर में करके रख देते हैं। और ये गुड़ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, पिछली बार भी लेके आए हुए थे, तो इसको पानी के साथ मतलब अच्छे रहते हैं खा के, मतलब पानी पियो और इसकी चाय बना के पियो। तो मैं आज यहाँ पर चाय बना रही हूँ इस गुड़ की मॉर्निंग के टाइम में, और मैं ये जो चाय बनाती हूँ गुड़ की मतलब बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। पिछली बार मतलब ये लेके आए हुए थे हस्बैंड ठंडी में, तो मैंने इसके बहुत मतलब सारे चाय ही बना के पी के ख़त्म किए थे। और ये देखिए दोनों कंटेनर में मैंने करके रख दिया, और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की चाय बन रही है गुड़ की चाय, और अभी आप लोग देखिएगा बिल्कुल भी नहीं फटा था। मैं बनाती हूँ बिल्कुल भी नहीं फटता है, बहुत टेस्टी चाय बनते हैं। तो मैंने इसमें अदरक वगैरह सब डाल के इसको अच्छे से मतलब खौला लिया है, तो मतलब बाद में एकदम लास्ट में थोड़ी देर में इसको गुड़ डाल के हल्का सा पकाने के बाद इसको चाय को छान लूँगी। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी होगी तो गाइज आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो न्यू है चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए आप लोग मत जाइएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ।